वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत जबरदस्त हो रही है। ई वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बहुत ही धुआंधार फॉर्म में चल रही है और टीम इंडिया अब तक 8 टीमों ने बहुत बुरी तरीके से डूब दी है और अब बारी ऐसी नीदरलैंड टीम की और नीदरलैंड टीम ने बेरो की अपने मैच 12 नवंबर ने इंडिया टीम के साथ उसी तो नीदरलैंड टीम की हालत बहुत खराब हो रही है। नीदरलैंड टीम ने बेरो है कि 12 नवंबर ने इंडिया भगा भगा मार सी। इंडिया की टीम पहले सेमीफाइनल में पहुंच गई है और इंडिया की टीम के साथ साथ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ये दोनों टीमें भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 2023 को वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहे हैं तो यो वर्ल्ड कप इंडिया की टीम के लिए खास सही है। इसके अलावा ये वर्ल्ड कप में बहुत ही मजा आ रहे हैं, ये वर्ल्ड कप में बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल होने मैच के बारे में। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। ये मैच में अफगानिस्तान की टीम पहले खेली और अफगानिस्तान की टीम पहले थोड़ी शुरुआत खराब कर रखी लेकिन लास्ट का माइंड राशिद खान की बहुत ही धुआंधार बैटिंग करती हो और राशिद खान टीम को स्कोर 295 रन तक पहुंचा दियो। और जब ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग करना आई तो ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह घेर ली और ऑस्ट्रेलिया का 100 से पहले 7 विकेट गिरा दिया और एडिशनल समय लाग रहे की अफगानिस्तान यू मैच आराम से जीत ले सी। लेकिन फिर मैदान में आयो मैक्सवेल और मैक्सवेल ने मैच में बहुत ही धुआंधार बैटिंग करी और मैक्सवेल बैटिंग करने के साथ साथ सबको दिल जीत लियो। जब मैक्सवेल 60 रन पर खेल रहे हो भी टाइम पर मैक्सवेल का पगाम खिंचाव आ गो और मैक्सवेल दर्द के कारण जमीन पर ही पड़ गो और भी टाइम पर मैक्सवेल अगर चाहते तो मैक्सवेल वापिस पवेलियन जा सको लेकिन मैक्सवेल आपके दर्द ने छोड़ के टीम के लिए खेलो और 201 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली और मैक्सवेल लगभग आरडो मैच ही ऑस्ट्रेलिया ने जिता दियो। और इसे एक दिन पहला मैच हुए हो श्रीलंका को और बांग्लादेश को मैच यो मैच तो बहुत ही हाई वोल्टेज को हो। इस मैच में घटना यह घटी कि जब श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही भी टाइम पर श्रीलंका को विकेट पड़ गो और विकेट पड़ने के बाद में मैथ्यूज बैटिंग करना आयो तो मैथ्यूज 3 मिनट के अंदर ही बैटिंग करने के लिए आ गो लेकिन बाद में मैथ्यूज जो बैटिंग करवा लगे तो मैथ्यूज को हेलमेट को रिबन टूट गो और मैथ्यूज ने हेलमेट मंगायो तो इसके चलते मैथ्यूज ने क्रीज पर आया लगभग 3 मिनट से ऊपर टाइम हो गो और इस चीज के लिए बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने अपील करी कि मैथ्यूज ने क्रीज पर आया लगभग 3 मिनट से ऊपर टाइम हो गो और मैथ्यूज अब तक ये भी बॉल कौन खेली और इसके चलते अंपायर मैथ्यूज ने आउट दे दियो और यू मैच लास्ट में बांग्लादेश की टीम 3 विकेट से आपका नाम कर लियो। और सबसे बड़ी बात तो जब हुई जब मैच खत्म होने के बाद में बांग्लादेश और श्रीलंका खिलाड़ी आपस में कोई भी हाथ नहीं मिलायो तो यह पहली बार हुई जब की कोई भी खिलाड़ी अगर आपस में हाथ नहीं मिलावे और मैथ्यूज टाइम आउट के कारण आउट हो। क्रिकेट के अंदर टाइम आउट के कारण आउट बड़ो पलो बल्लेबाज बन गो। 2023 के वर्ल्ड कप की और कुछ बात करा तो यो वर्ल्ड कप जोश बटलर के लिए और बाबर आजम के लिए कप्तानी के रूप में बहुत ही खराब हुए हैं और सबने लगा कि ये वर्ल्ड कप के बाद में इन दोनों खिलाड़ी कप्तानी जा सके और एक टीम यानी कि अफगानिस्तान की टीम के लिए यो वर्ल्ड कप बहुत ही बढ़िया गए। अफगानिस्तान की टीम ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान श्रीलंका और इंग्लैंड की टीम ने हराए हो और ऑस्ट्रेलिया टीम को भी कल लगभग पसीनों ला दियो। और जैसे कि सबने बेरा की हर वीडियो लास्ट में एक सवाल दिया जावे तो आज के वीडियो का जो सवाल है कि टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा गेंदबाज लेसी तो अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दियो और अगर वीडियो सुखो लगे हो तो वीडियो लाइक करियो चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो।